गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, अब थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कि मैं लवर का वर्गीकरण आपको मैं बता रहा था, ठीक है ना, यानी लवर जो है उस लवर के वर्गीकरण में, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको मिश्रित लवर के विषय में मैं बता दिया था कि मिश्रित लवर क्या होता है या किसे कहते हैं, ये बात आप लोगों ने क्या किया था समझ चुके थे। अब जो है इसके बाद से हेडिंग देंगे द्विक लवर। क्या हेडिंग देंगे? द्विक लवर। अब ध्यान दीजिए, द्विक लवर को हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए द्विक लवर क्या होता है या किसे कहते हैं। देखिए, दो सरल लवरों के, बात समझिए, दो सरल लवरों के अगर वाष्पीकरण से, यानी दो सरल लवरों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से जो लवर प्राप्त होता है, उस लवर को हम क्या कहते हैं? द्विक लवर कहते हैं। बात समझ रहे ना, उस लवर को क्या कहते हैं? द्विक लवर कहते हैं। अब जो है इसमें मैं आपको जो द्विक लवर हेडिंग दिए हैं, इस द्विक लवर में थोड़ा लिखिए तो दो सरल लवरों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से, जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवर को द्विक लवर कहते हैं। द्विक लवर कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द्विक लवरों में सरल लवरों का अनुपात निश्चित होता है तथा इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। हो गया? आगे लिखेंगे, जलीय विलयन में ये सरल लवणों के आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। हो गया? अब जैसे एग्जाम्पल्स में आप लोग लिखेंगे फिटिग्री, जैसे क्या लिखेंगे फिटिग्री कोष्टक में, इसका अर्ध सूत्र आपका क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 का होल थराइज इंटू 24H2O। तो ये जो आपका क्या हो गया, K2SO4 Al2SO4 का होल थराइज इंटू 24H2O जो आपका है, यह डिग्री जो एक प्रकार का द्विक लवर होता है। अब इसके बाद से हम हेडिंग देंगे संकर लवर। अब संकर लवर में भोले बाबा वाला संकर मत लिखिएगा, मैं लिख रहा हूँ छोटा वाला, सौ इसमें रहेगा, थोड़ा ध्यान से देख कर लिखिएगा संकर लवर। ठीक, ये जो आपका हो गया संकर लवर क्या होता है इसे समझना है यहाँ पर। तो देखिए बाबू, संकर लवर का मतलब ये होता है वे लवर जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु, आयन का मतलब क्या होता है? विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। और उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन अणु का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन अणु कहते हैं। वह किसी धात्विक धनायन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो उपसहसंयोजक बंध बनाने के परिणाम स्वरूप जो लवण प्राप्त होता है, उस लवण को संकर लवण कहते हैं। अब इसमें संकर लवण में एग्जाम्पल्स में जैसे मान लीजिए K4FeCN6, ये क्या है? एक प्रकार का संकर लवण होता है। जैसे मान लीजिए Cu, ठीक, NH3 का होल टेट्रा क्या हो सकता है आपका? Cu NH3 का Cu
NH3 का होल टेट्रा, बात समझिएगा, CuNH3 का होल टेट्रा, फिर इसके बाद से Cl2, ये एक प्रकार के क्या है, संकर लवण होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए संकर लवण में थोड़ा लिखिए पहले, तो वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु, किसी धात्विय धनायन के साथ, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो उपसहसंयोजक बंध बनाने के परिणाम स्वरूप जो लवण प्राप्त होता है, उसे संकर लवण कहते हैं, हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल्स में यह दोनों लिख लीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, इत्यादि कर दीजिएगा, हो गया। अब इसके बाद से लिखने के बाद से जो है नेक्स्ट हेडिंग देंगे, जल अपघटन। क्या हेडिंग देंगे, जल अपघटन, यानी जल अपघटन का मतलब क्या होता है। हाँ तो बाबू देखिए, इसके बाद से हम ध्यान देंगे, हेडिंग देंगे जल अपघटन। क्या देंगे, जल अपघटन। हेडिंग क्या होगा यहाँ पर, जल अपघटन। ध्यान दीजिए बाबू, जल अपघटन का मतलब क्या होता है, इस चीज को यहाँ पर समझना है। देखिए किसी यौगिक के द्वारा, बात समझिएगा, किसी यौगिक के द्वारा जल का जो अपघटन होता है, उस अपघटन को हम क्या कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि किसी यौगिक में जल के अणुओं का प्रवेश होना, क्या कहलाता है, जल अपघटन कहलाता है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा नोट कीजिए, तो किसी यौगिक का, जल द्वारा अपघटन, जल अपघटन कहलाता है, हो गया। अब देखिए बाबू, जल अपघटन तो आपने समझ लिया, अब इसके बाद से हेडिंग देंगे लवण जल अपघटन। जैसे यह तो जल अपघटन हो गया, इसके बाद से हेडिंग देंगे हम लवण जल अपघटन, फिर क्या होगा, जल अपघटन। देखिए बाबू, लवण जल अपघटन का मतलब क्या होता है, या किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। देखिए बाबू, वह अभिक्रिया, ध्यान से सुनिए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल के साथ अभिक्रिया करके, या जल के साथ अभिकृत करके अम्लीय, कामाक्षारीय या उदासीन विलयन बनाते हैं, तो इस प्रकार का जो अपघटन होता है, उस अपघटन को हम लवण जल अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण जल अपघटन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लवण को हमने लिया, बात समझिएगा, और उस लवण में हमने क्या किया कि जल को मिलाया, और जल को मिलाने के बाद से जो हमारा विलयन बना, वह विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो, तो इस प्रकार का जो लवण का जल अपघटन होगा, उस अपघटन को हम क्या कहेंगे, लवण जल अपघटन कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब जो है इसमें थोड़ा नोट कीजिए, तो बाबू वह अभिक्रिया जिसमें
कोई लवण जल से अविकृत होकर अम्लीय कामाचारीय या उदासीन विलयन बनाते हैं या उदासीन विलयन बनाते हैं, तो इस प्रकार लवण का जो अपघटन होता है, उसे लवण जल अपघटन कहते हैं, उसे लवण जल अपघटन कहते हैं। हो गया? तो देखिए बाबू, लवण जल अपघटन आप जाओ है यह समझ चुके, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आपको आगे जो लिखे हैं उसके जस्ट आगे पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा और लिखिए। किसी लवण का जल अपघटन होने पर, प्राप्त विलयन उदासीन कामाचारीय या अम्लीय होता है। हो गया? अब इसके बाद से देखिए, लवण जल अपघटन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे, अगला आपका जो होगा साधारण लवण। क्या हेडिंग देंगे? साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड, साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड। साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा। रुक दिए हैं क्या? देखिए, साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड, इसमें हम लोगों को समझना है साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड के विषय में समझना है। हाँ, तो देखिए बाबू, हेडिंग हम लोग देंगे साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड। हो गया? अब देखिए बाबू, साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड क्या होता है? देखिए, हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड जो है एक विशेष प्रकार का लवण होता है। सोडियम क्लोराइड एक विशेष प्रकार का लवण होता है जिसका अणुसूत्र NaCl होता है। बात, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? NaCl होता है। अब देखिए, हमारे भोजन में जो लवण प्रयुक्त किया जाता है, यानी जो नमक हम प्रयोग करते हैं, उस नमक को ही हम साधारण लवण या साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक या साधारण लवण कहते हैं। तो चलिए, इसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो सोडियम क्लोराइड एक विशेष प्रकार का लवण होता है, एक विशेष प्रकार का लवण होता है जिसका अणुसूत्र NaCl होता है। इसे सामान्यतः साधारण लवण भी कहते हैं, हो गया? अब इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाले नमक को साधारण लवण कहते हैं। हो गया?
फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। थोड़ा सा पहले समझ लीजिए तब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जैसे देखिए बाबू, समुद्री जल जो होता है उस समुद्री जल में कई प्रकार के लवण होते हैं। बात समझिएगा, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण होते हैं जिसमें सामान्यतः यह साधारण लवण जो है यह अत्यधिक मात्रा में होता है, और जिसको सूर्य के ऊष्मा के द्वारा हम क्या करते हैं, वाष्प, जैसे जल को वाष्पीकृत करके उस लवण को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो जहाँ तक आप लिखे हैं जस्ट उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके फिर थोड़ा आगे लिखेंगे। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं, कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं, किंतु इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा, किंतु इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। समुद्री जल को सूर्य की ऊष्मा से सुखाकर लवण निकाला जाता है जिसे सामान्यतः भोजन में उपयोग करते हैं। हो गया। तो देखिए बाबू, यह जो है आपका सोडियम क्लोराइड के विषय में आपने समझ लिया। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे, सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि। बात समझिएगा, सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि, और इस विधि को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सुझाव है, जिसे कायदे से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से। सबसे पहली बात कि जितनी वीडियो बनाया जा रहा है उस वीडियो को अच्छी तरह से कायदे से देखिए, और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, और अकेले में बैठकर उसको समझने की कोशिश कीजिए, और जहाँ पर भी न समझ में आए फ़ोन करके तुरंत आप हमारे पास फ़ोन कीजिए और पूछिए कि सर इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। बस समझ रहा है ना। लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार का हेजिटेशन आपको अपने मन में नहीं रखना है। जो भी नहीं समझ में आएगा उसे पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।